टेंट जो आपका बचा है रिमूव करना है तो जल्दी से प्रिपरेशन में जान डालते हैं चलते हैं पच्चीस क्वेश्चन की तरफ एंड एट द लास्ट मार्क करिएगा कि ट्वेंटी फाइव में से कितना नंबर मिल रहा है मेक इट अ पॉइंट अब मार्किंग का टाइम आ चुका है सिर्फ तो पांच या दस दिन ही तो बाकी और ये आया पहला क्वेश्चन आपका टू इंक्रीज द स्पीड अब बताओ इसका वन वर्ड सब्सिट्यूशन क्या होगा एक्सिलेट एक्टिवेट एक्सिलरेट या एसिमलेट क्या जाएगा मैं नहीं बताऊंगी पहले आप बताएंगे उसके बाद से मैं आंसर बताऊंगी क्विक इंक्रीज द स्पीड ये हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होता है हमें आता है और बहुत आसान होता है भाई देखो इंक्रीज स्पीड का जो वन वर्ड जाता है दैट इज योर एक्सेलरेटिंग जैसे गाड़ी में एक्सिलेटर लेते हैं ना तो गाड़ी हमारी आगे बढ़ती स्पीड बढ़ाई जाती है ना एक्टिवेट मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना एक्सिलेट मतलब बाहर निकाल देना एसीमुलेट मतलब एक साथ लाना या अंडरस्टैंडिंग की जब बात करते हैं तो वो एसिमिलेट के लिए जाता है क्लियर तो इंक्रीज स्पीड के लिए हमने क्या बोला एक्सेरेट करना चीज़ों को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये आया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में अब बताओ गिवेन वर्ड का एंटेनेम क्या होना चाहिए एंड यू वर्ड हियर इज हेस्ट हेस्ट का एंटेनेम क्या जाएगा लूज रश डैश या डिले क्या जाना चाहिए बोलो भाई लूज मतलब ऐसे ही उल्टा पुल्टा पड़े रहना रश मतलब स्पीड डैश मतलब ही स्पीड डिले मतलब देरी क्या जाएगा बस मैंने हेस्ट का मतलब नहीं बताया बाकी सब का मीनिंग आपको बता दिया है अब बताओ हेस्ट का एंटोनिम क्या जाना चाहिए लूज रश डैश डिले भाई देखो अब मैं आपको बताऊं बच्चा पार्टी हालांकि बहुत सारे बच्चे आंसर सही दे रहे हैं हेस्ट हेस्ट का मतलब होता है जब भी आप स्पीड की बात करते हो ना स्पीड नेचर बताते हो सेम अब आप खुद सोचो स्पीड है बहुत जल्दबाजी हो रही है फास्ट हो रहा है अपोजिट क्या हो जाएगा डिले हो रहा है देरी हो रही है यानी कि इसका करेक्ट आंटेम क्या जाएगा आपका डिले चला जाएगा क्लियर बाकी सबका मीनिंग मैंने बता दिया डैश डैश भी जो बच्चा है ना आपका स्पीड रश से रिलेट करता है ठीक तेजी से जब आप बात कर रहे हो तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नाउ हियर यू हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताओ ब्लैंक में क्या फिट होगा एंड योर क्वेश्चन हियर इज हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंट्री अप्रूव्ड होना चाहिए अप्लाइड होना चाहिए सप्लाइड होना चाहिए या अपॉइंटेड होना चाहिए क्या जा सकता है हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंट्री क्या जाएगा अप्रूव्ड अप्लाइड सप्लाइड या अपॉइंटेड बोलो भाई जल्दी फटाफट से बताएंगे क्या जा सकता है बिल्कुल भाई देखो आप सिंपल क्या बोलते हो यू अप्लाइड यू अप्लाइड हियर क्या आपने अप्लाई किया था यानी कि सिंपल से यहाँ जो ब्लैंक में जाएगा वो क्या जाएगा अप्लाइड ठीक अप्लाइड मतलब आप तो जाए जो जॉब के लिए कोशिश करी है नहीं करी है अप्रूव मतलब होता है किसी चीज़ को ओके कर देना कि हाँ भाई एवरीथिंग इज परफेक्ट आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो सप्लाई मतलब किसी चीज को देना अपॉइंट मतलब किसी को इलेक्ट करना क्लियर दैट मीन योर आंसर शुड बी द सेकेंड वन अब विदाउट फर्दर मच डिले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड हियर यू हैव योर नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताओ गिवेन इडियम ईडियम का मतलब क्या होगा सी आई टू आई आंखों से देखना। क्या होगा बी सस्पिशियस अग्री विद समन स्टेयर या सी क्लियरली एकदम अच्छे और साफ देखना है क्या जा सकते हैं सी आई टू आई सी आई टू आई किसका मीनिंग क्या होगा ईडियम में इस ईडीएम में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जिससे वो मैच करता है सी आई टू आई चला जाए आंसर देखा जाए एंड सी आई टू आई का मतलब होता है वेन यू अग्री विथ समन ठीक कि हाँ मैंने आंखों से देख लिया अब मैं इस पे विश्वास कर रहा हूँ तो जब आप किसी पर विश्वास करते हो तो आपका कहलाता है अग्री विथ समन इंग्लिश में बोला जाए सी आई टू आई क्लियर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आहा पैरा जम्बल मैं थोड़ा साइड हो जाती हूं सो दैट यू पीपल कैन सी इट वेरी क्लियरली अब बताओ भाई इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट क्या जाएगा दीज आर जनरेटेड बाय अ सी डिस्टर्बेंस ओवर ओशन एक्टिविटी वंस जनरेटेड दे ट्रैवल आउटवर्ड ऑन द ओशन सर्फेस इन ऑल डायरेक्शन आ सुनामी मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स, स्प्रेडिंग दस दे लुक लाइक रिपल्स कॉज बाय थ्रोइंग अ रॉक इन पॉन्ड क्या जा सकता है बताओ भाई जल्दी फटाफट से बताएंगे शुरुआत अगर आपने पकड़ ली ना तो बाहर की सारी चीजें आपकी करेक्ट हो जाएंगी यहाँ पे चेक किया जाए देखा जाए भाई देखो सीधा सा यहाँ पे आंसर आपका बेटा जी यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो जो स्टेटमेंट आपका स्टार्ट होगा दैट विल बी विद सी कहा क्या जाएगा अ सुनामी इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ वेरी लॉन्ग वेव्स लॉन्ग वेव से बना होता है यानी कि सबसे पहले क्या आ गया सी फिर ए जाएगा डीज आर जनरेटेड बाई अ वॉयलेंस अंडर सी डिस्टर्बेंस और सुनामी इसलिए आता है जब सी में टेक्टोनिक प्लेस जो आपकी मूवमेंट करते हैं डिस्टर्बेंस होता है सुनामी आ जाता है यानी कि सी के बाद क्या आ गया ए फिर वंस जनरेटेड दे ट्रैवल आउटवर्ड ऑन द ओशन सर्फे और जब आते हैं ना तो ये हर एक डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं यानी कि एक के बाद क्या गया आपका बी चला गया फिर स्प्रेडिंग दस दे लुक लाइक रिपल्स कॉज बाई थ्रोइंग रॉक इन पॉइंट और इनको देख के ऐसा लगता है कि जब हम पत्थर फेंकते हैं ना कोई पानी में तो पानी एकदम ऐसे उछल जाता है सेम उस कंडीशन में लगता है तो बेसिकली यानी कि आ, आ, प्रीवियस में चलते हैं वह भी ओके आप बताओ सी गया ए गया देन आपका बी गया और बी के बाद क्या आ गया डी दैट मीन करेक्ट आंसर सी ए बी डी ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका थर्ड वाला मैच किया क्लियर भाई सीधा बोला सुनामी जो है ना वो लॉन्ग वेव्स में आती है ये बेसिकली से कॉज होती है अगर आ जाती तो हर डायरेक्शन में फैलती है ऐसा लगता है जैसे कोई पानी में पत्थर फेंका तो पानी आपका बाहर जाता है क्लियर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बताओ इन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है यहां पे अपॉर्चुनिटी अवसर ओमिशन हटाना ऑब्सोलेट आउटडेटेड पुराना जो हो चुका होता है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है जल्दी फटाफट से बताइए क्विक यू ऑल नीड टू टेल मी वेर आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर मी क्विकली चेक किया जाए अब देखो यहाँ पे जो आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है बेटा दैट इज ओमिशन ओमिशन मतलब होता है हटाना और ओमिशन की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है दैट इज ओ एम आई डबल एस आई ओ एन ओमिशन क्लियर चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बताओ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है रेबल मैं किसी से दुश्मनी ले लेना मोनार्क डेलीगेट या एडिबल मतलब खा सकते हैं मोनार्क एक छत्र को बोला जाता है डेलीगेट डेलीगेट का मतलब पहले आप मुझे बताएंगे पहले बताइए स्पेलिंग सही है वैसे डेलीगेट आपने या डेलीगेटरी सुना होगा ना डेलीगेट का मतलब होता है बेसिकली मुझे स्पेलिंग मैंने अभी किसी का चेक आंसर ही आ गया कोई बात नहीं भाई देखो डेलीगेट का मतलब होता है बेसिकली जब आप किसी एजेंट की बात करते हो जो रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है यहां पे ये भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एक मिनट टिव अब देखो जब भी आप किसी ऐसे इंसान की बात करते हो जो कहीं पे आके किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दर्शाता है बचा बताता है जैसे अगर मैं आ, किसी कंपनी में कॉल का, काम कर रही हूं मैं किसी प्लेस पे गई और मैं अपनी कंपनी के बारे में बता रही हूं तो मैं वहां के क्या कहला जाऊंगी डेलीगेट कहलाई जाऊंगी यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एजेंट कहलाया जाएगा आंसर की बात करें तो भैया बिल्कुल डेलीगेट की स्पेलिंग भी आपकी गलत है क्योंकि देखो डेलीगेट में आपकी जो स्पेलिंग जाती है वो कुछ ऐसी जाती है जी ए टी ई होता है जी ए आई टीई बिल्कुल नहीं आपका होता है क्लियर मीनिंग भी आपको बता दिया अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाएगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताई है पर्टेनिंग टू वन इंडिविजुअल फ्रॉम डेथ बर्थ वो चीज जो बर्थ से शुरुआत से रहता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉन्जेनिटल हैबिटल क्रॉनिक अनोमली क्या बोला जाता है क्रॉनिक मतलब जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो करता है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला जाता है हेबिचुअल आदत की बात कर रहे हो अनोमली होगा या कॉन्जेंटल होगा भैया बताओ क्योंकि देखो अनोमली अगर मैं अनोमली की बात करूँ अनोमली का मतलब होता है वेरिएशन की जब आप बात करते हो टाइप्स की जब आप बात करते हो तो वो आपका स्टैंड करता है अनोमली के लिए अब आप देखो सबका मीनिंग मैंने आपको बता दिया ठीक तो बचा क्या आपके पास फर्स्ट ही तो बचा ना तो कॉन्जेनिटल का मतलब होता है वो चीज जो पर्टेन कर रही है कहां से बर्थ से जब से आप पैदा हुए हो तब से तो वो इंग्लिश में आपका कहलाता है कॉन्जेनिटल एम आई क्लियर टू ऑल चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बताओ भाई यहां पे क्या किसी स्टेटमेंट में कोई इंप्रूवमेंट की जगह बची क्वेश्चन है दे स्टॉप टू लाफ एज सून एज द टीचर एंटर द क्लास रूम क्या हो जाना चाहिए स्टॉप लाफिंग स्टॉप्ड लाफिंग स्टॉप लाफ्ड बताओ भाई क्या हो जाएगा दे स्टॉप टू लाफ टीचर एंटर द क्लास रूम जैसे टीचर क्लास में आई उन्होंने हंसना बंद कर दिया तो हम यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहे हैं कि देगा दे इस्टॉप्ड लाफिंग हंसना बंद कर दिया यही बोलना चाह रहे हैं ना और स्टॉप लाफिंग यानी कि कहाँ गया सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो गया सिंपल कि जैसे टीचर क्लास में जो यही कर रहा था तो ना तुरंत उन्होंने बंद कर दिया चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में अब बताओ भाई क्या यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट का नीड पड़ रहा है आपको एंड योर क्वेश्चन हियर इज इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई अगर वो मैरिज उनका होता है तो वो सेटल हो जाएंगे मुंबई में बहुत इजी क्वेश्चन है एंड मैं आपको बता दूं बेटा ये जो क्वेश्चन आया है कंडीशनल का है देखो मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका फर्स्ट कंडीशनल है फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है अगर आपने कहीं कंडीशन लगाया ठीक किसी भी वर्ड से तो कंडीशन के बाद आप जिस टेंस का यूज करोगे वो कौन सा हो जाएगा प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट में भी कौन सा टेंस होगा तो हम यहां बात कर रहे होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की जैसे ही सिंपल प्रेजेंट आएगा तो दूसरा वाला जो पार्ट होता है या तो वहां पर आप विल लिख सकते हो या तो आप शाल लिख सकते हो या तो आप वहां पर कैन लिख सकते हो या तो मे लिख सकते हो और इन सब के साथ आप वर्ब की किसका यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब भाई देखो इफ़ लगाया कंडीशन कंडीशन के बाद विल आया आपको मैंने कंडीशनल पढ़ाया है ना और किसी भी कंडीशनल में कंडीशन के बाद विल नहीं आता है। सिंपल सिंपल प्रेजेंट पास सेटल इन मुंबई पहला कंडीशनल याद होना चाहिए कंडीशन के बाद सिंपल प्रेजेंट तो, तो दूसरा वाला पार्ट है विल कैन शैल मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम आई क्लियर चलो लेट्स गो ऑन टू अस्ट क्वेश्चन अब बताओ भाई डायरेक्ट इन डायरेक्ट का क्वेश्चन रीटा नॉट टू प्ले इन द सन थर्ड महेश रिक्वेस्टेड रीटा दैट डोंट प्ले इन द सन महेश ऑर्डर्ड रीटा दैट नॉट टू प्ले इन द सन पहली चीज मैं आपको बता दूं, दू डू के साथ वट की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट हमेशा किस में बदलता है सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट आप ढूंढोगे तो देखो कहा गया ये रहा यहां तो डोंट कॉपी किया है तो थर्ड वाला तो पहले हटा दो अब दूसरी चीज देखते हैं देखो यहां पे बेसिकली वो ऑर्डर नहीं कर रहा है कि सन में मत खेलो बता रहा है बेटा गर्मी लगेगी सन में मत खेलो है ना तो ये दैट मींस ऑर्डर्ड भी यहां से हट जाएगा दूसरी टोल्ड के बाद कभी टू यूज़ नहीं करते क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब होती है ये भी हटा बचा क्या आपके पास फास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा महेश एडवाइज्ड रीता नॉट टू प्ले इन द सन क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बस बेटा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए एक चीज़ याद रखो आपको जो काम करना है दैट इज़ एलिमिनेशन बस अच्छे से एलिमिनेट करके ले गए यकीन मानिए 25 में 25 आएगा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा बस जो पढ़ा है फोकस रखना है एक भी गलती नहीं करनी क्योंकि वन मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय योर होल पेपर सोचो आप अगर आपका कट ऑफ वन गया आपका नंबर एक 128 आ रहा है अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो 30 कट ऑफ आपका पार हो जाएगा और कहीं एक क्वेश्चन गलत करके आए तो 130 बन रहा होगा 128 बन जाएगा तो इसलिए एक ही क्वेश्चन की वैल्यू एग्जाम में बहुत होती है आप बताओ सिनोनिम क्या जाएगा डिसहार्टेंट डिप्रेस्ड डिसगस्टेड disgrace, डिसलाइक डिसलाइक मतलब पसंदी करना डिसग्रेस मतलब भगवान जब कर्स देते हैं डिसग्रेस कहलाता है डिसगस्टेड मतलब बेकार depressed मतलब सैड हार्ट एंड हार्ट एंड का मतलब होता है जॉली पर्सन कुछ पर्सन हैप्पी पर्सन जो होता है डिसहार्टेड मतलब बिल्कुल हैप्पी नहीं है आपका बिल्कुल हैप्पी नहीं है यानी कि पर्सन कैसा जा रहा है डिप्रेस्ड जा रहा है क्लियर चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताओ इसका सिनोनिम क्या होगा एंड योर गिवन वर्ड इज कॉर्डियल कॉर्डियल का सिनोनिम क्या जाना चाहिए रूड कोल्ड हार्ड वार्म क्या जाएगा कॉर्डियल बताओ भाई जल्दी फटाफट से कॉर्डियल रूड मतलब बेकार खड़ूस कोल्ड मतलब ठंडा हार्ड मतलब रफ टफ वार्म मतलब गर्म क्या जा सकता है कॉर्डियल का डिफरेंस डिफरेंस नहीं एक्चुअली सिनोनिम सेम ढूंढना है आपको चेक करें भाई देखो कॉर्डियल का सिनोनिम आपका क्या जाता है वॉम कॉर्डियल का मतलब होता है वॉर्म इन द सेंस अच्छे की बात करो वार्म की बात करो ठीक जो कहते नहीं बहुत हैप्पी लाइक like, uh, अच्छा पर्सन होता है जो इजी गोइंग पर्सन होता है वो कॉर्डियल कहलाता है और कॉर्डियल के लिए वार्म पर्सन जिसका नेचर बहुत अच्छा होता है खरूस नहीं होते तो आपके कॉर्डियल पर्सन यानी कि वार्म पर्सन कहलाते एक पॉजिटिव वर्ड आपका होता है क्लियर चलो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताइए किस क्वेश्चन में गड़बड़ी क्वेश्चन है कौन से पार्ट में गड़बड़ी है एंड योर क्वेश्चन हियर इज द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल बोलो द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल क्या होना चाहिए फर्स्ट द बोथ सेकंड चिल्ड्रन गो थर्ड टू द फोर्थ सेम स्कूल बहुत बेसिक से एर है हमें नहीं पता हम किसकी कौन से चिल्ड्रेन की बात करें हमें खुद नहीं पता बोथ के साथ किसका यूज नहीं करेंगे द का यूज़ नहीं किया जाएगा करेक्ट क्या हो जाएगा बोथ चिल्ड्रेन गो टू द सेम स्कूल दैट मीन्स योर एरर इज इन फर्स्ट बट एम आई क्लियर टू ऑल नाउ लेट्स गो ऑन टू वन एक्सप्रेशन एंड हियर यू हैव योर पैराजंबल आई एम बिट साइट सो दैट यू पीपल कैन सी रीड एंड डू इट You people again have 10 seconds. Do this question very quickly. Quick. And your question starts with Agra's Marble Marvel has such an overwhelming presence, dash other monuments in the town. टाउन हैव बीन रिलेटेड पहला तो आप फर्स्ट में बताएंगे कि आगरा का जो मार्बल मार्वल है जो दिखता है मार्वल से बना हुआ वो एक बहुत ओवरवेलमिंग प्रेजेंस है डैश बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स है और बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स यानी कि यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा अदर डैन है ना कि बाकी सबसे जो ताजमहल की बात करी जा रही है वो अलग ही है अलग ही ब्यूटी है कंपेरिजन था डैन आ जाएगा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में और ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ भाई सेकेंड में क्या जाना चाहिए पहले में हो गया प्रेजेंस देन अदर मॉन्यूमेंट इन द टाउन अदर मॉन्यूमेंट इन द टाउन हैव बीन रिले रिलेगेटेड डैश ऑब्लीवियन बताओ भाई क्या जाएगा अदर मोन्यूमेंट जो टाउन में थे दे हैव बीन रिलेगेटेड डैश ऑब्लिवियन टू जाएगा विद जाएगा ऑन जाएगा बाई जाएगा क्या आंसर जा सकता है क्विकली जल्दी फटाफट से बताएंगे यू पीपल हैव टेन सेकेंड अगेन आई एम टेलिंग यू बोलो भाई चेक किया जाए देखो पहली बात तो ये समझो यहां पे एक वो कैब दिया है oblivion oblivion का मतलब होता है अन अवेयर होना किसी चीज से जब आपको किसी चीज की खबर नहीं होती ना तो oblivion वी कह कंडीशन है ये एक फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है बेटा जहां भी इंग्लिश में रेलीगेट आ जाए रेलीगेट हमेशा अपने बात क्या लेके जाता है टू वी रेलीगेट टू समथिंग ठीक तो रेलीगेट हमेशा अपने साथ क्या लेके जाएगा टू लेके जाएगा अब बताइएगा थर्ड में क्या जाना चाहिए थर्ड क्वेश्चन में क्विक रेलीगेट टू ओब्लिवियन अमन सच सिक्सटी और मॉन्यूमेंट्स इन डैश टाउन ये तो बहुत ईजी है कि रेलीगेट करता है जो बाकी सारे मॉन्यूमेंट है एंड अराउंड कितने मॉन्यूमेंट है बेटा आपके सिक्सटी मॉन्यूमेंट्स हैं ऐसे क्या जाएगा टाउन अब देखो इन टाउन है तो सिंपल क्या हो जाएगा इन दाउन भाई टाउन तो बता दिया ना किस प्लेस की बात करें आगरा बता दिया तो ना तो आर्टिकल ए जाएगा ना तो आन जाएगा आर्टिकल कौन सा जाएगा आर्टिकल दला जाएगा क्लियर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब मेरी सारी सेना मुझे बताएगी फोर्थ में क्या जाएगा फर्स्ट में दान आया प्रेजेंस दान अदर मॉन्यूमेंट रेलीगेट टू लेके गया थर्ड में द आया फोर्थ में द रेड ताज इज द मोस्ट डैश एंड रिलेटिवली वेल प्रजर्वड बोल भाई रेड ताज उन्हीं में से है जो आगरा में बहुत अच्छे कहे जाते हैं बहुत सुंदर चीज़ें मॉन्यूमेंट्स कही जाती हैं मतलब मतलब होता तेज तो ये दोनों तो वैसे भी आपने हटा दिया एफिशियंट चीजें होती हैं मोन्यूमेंट की बात करें हटा दिया बच्चा क्या आपके पास फर्स्ट वाला यानी कि द मोस्ट एलिगेंट मतलब बहुत प्योर बहुत अच्छा ठीक चलते हैं फर्स्ट फिफ्थ में अब बताइएगा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या जाएगा हमने कह लिया ताज इज द मोस्ट डैश एंड रिलेटिवली वेल प्रिजर्व ठीक अब फिफ्थ में बताओ द टूम इन रेड स्टोन वॉज डैश बाई एन एन है अब देखो वॉस के साथ एक चीज याद रखना या तो वॉस के साथ वर्ब की आई फॉर्म आएगी या तो वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोनों में से कोई एक चीज चेक करिए आप आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा

सच और मोन्य इन द टाउन हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने एलिगेंट लिख दिया ठीक अब देखो कहानी बनाओ पूरी कहानी आपकी बन रही जैसे मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको दिख जाए कि आगरा का जो मार्वल है वो एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस था बाकी सारे मोन्यूमेंट्स दो टाउन में थे हैव बिन रेलीगेटेड टू रेलीगेट का मतलब होता है इंफीरियर दिखाना किसी को ठीक बाकी सारे जो मोन्यूमेंट थे उनको हमने दिखाया नहीं शो नहीं किया हमें पता ही नहीं कि आगरा में ताज के अलावा भी बाकी चीज़ें हैं ठीक देन अमंग सिक्सटीज ऑर्ड मोन्यूमेंट और जिन चीजों के बारे में हम आप, हमें पता नहीं है ना ऐसे कितने मोन्यूमेंट है आपके पास सिक्सटी ऑर्ड मोन्यूमेंट है ठीक इन द टाउन द रेट ताज इज वन ऑफ द एलेगेंट एंडली वेल प्रिजर्व और उन्हीं में से एक जिनके बारे में हम आगरा जाते हैं क्यों जाते हैं देखने और उन्हीं में से एक जो आपका वेल प्रजर्व मॉन्यूमेंट है वो मॉन्यूमेंट आपका कौन सा है रेड ताज यहां पे जा रहा है द टूम इन रेड स्टोन सैंडस्टोन वॉज बिल्ड बाई एन हेसिंग और वहां पे जो टूम है वो आपकी एन हेसिंग ने बनाया था विडो ऑफ डच ऑफिसर आफ्टर डेथ जो इन इनकी विडो थी आपकी क्लियर तो बेसिकली आगरा की हिस्ट्री के बारे में बता रहे ये वही कहानी है जैसे अगर हम लखनऊ में रहते हैं तो हम लखनऊ को छोड़ के बाकी सारी प्लेसेस के बारे में ना हमें ज़्यादा नॉलेज होती है हम सबकी कलेक्टिवली बात कर रहे हैं क्योंकि होता नहीं हम जहां के रहने वाले होते हैं हमें वहां की खास बात भले ही ना मालूम हो बट अदर सिटीज में अदर प्लेसेस में क्या खास बात है वो हमें हर एक चीज़ बारीकी से मालूम होती यही कहानी बताई कि आगरा में बहुत सुंदर चीज़ें बट हम ध्यान नहीं देते अब बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जाएगा क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है एंड योर क्वेश्चन हियर इज वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एट अ कप ऑफ कॉफी जल्दी फटाफट से बताएंगे क्विक यू ऑल नीड टू टेल मी ओके टेल मी क्विकली भाई देखो सीधी सी बात है लॉन्ग डिस्कशन आठ अ कप ऑफ कॉफी नहीं होता ओवर अ कप ऑफ कॉफी होता है कि हमने कप ऑफ कॉफी पे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया अब बताओ सेकेंड में एंटेनिम क्या जाएगा फिकल फिकल का क्या जाएगा क्राफ्टी जो बहुत टैलेंटेड होता है फ्लाइट फ्लिटी जो मतलब थोड़ी देर वाले होते हैं सप्टल और नेसेसरी स्टेबल जो बना हुआ होता है क्या जाएगा फिकल का एंटेनिम आपको बताना है बोलो भाई फिकल का एंटेनिम आपका क्या जाना चाहिए यू ऑल हैव टू टेल मी फिकल का अगर मैं मीनिंग बताऊ ना फिकल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं वो फिकल कहलाते हैं हमारा मूड कभी हम खुश हैं पांचवें बाद हम सैड हैं पांचवें बाद हम और ज्यादा खुश हैं हम फिर कूदने लगे अचानक से हम सैड हो गए तो ऐसे इंसान जिनका मूड बहुत जल्दी जल्दी, जल्दी 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 बदलता है वो इंग्लिश में कहलाता है फिकल मूड बदल रहा है स्टेबल नहीं है, है यानी कि क्या हो जाएगा मूड आपका ऑर्गेनाइज बाई स्टेट गवर्नमेंट सेल ड्रीम्स लियॉर्ड लियर्ड का मतलब होता है अट्रैक्टेड बाई दिस मिलियन ऑफ पुअर पीपल वेस्ट देयर हार्ड एंड मनी ये एकदम सच्चाई बता जीवन का ये ऑफ अच्छा रीअरेंजमेंट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें देखो पहला स्टेटमेंट होगा डी बोला क्या कि पीपल लॉटरी खरीदते हैं इस उम्मीद से कि वो रातों रात अमीर करोड़पति बन जाएंगे डी आया ठीक बट दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ड्रीम और ये जो लॉटरीज है जो ऑर्गेनाइज करी गई है ना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कुछ और नहीं करती है, सिर्फ लोगों के सपने बेचती है फिर हम सी को लेके जा सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोग करोड़ ऑफ रुपीज एंड गोल्स आर ऑफर्ड एट प्राइजेस मतलब इतना पैसा इतना वो ऑफर करते हैं ना कि लोगों को लगता है अरे वाह इतना आएगा ना तो बस हो गया काम देन बी हम ले जा सकते हैं कि सी चला गया सी के बाद क्या जा सकता था बी जाना चाहिए ना स्टार्टिंग तो आपका इसका डी से ही होना चाहिए क्योंकि करोड़ सी से आपका स्टार्टिंग नहीं होगा यानी कि या ये ऑप्शन भी गया ये ऑप्शन भी गया डी से हमने चलो फिर स्टार्ट कर दिया इसको हटा देते हैं अब एक एक उठा के देखते हैं डी के बाद ए आएगा कि बी जाएगा होपिंग टू तो बिकम ओवर नाइट रिच एंड पीपल हाँ खरीदते हैं बिल्कुल भाई डी के बाद ए जाएगा पीपल रातों रात ये सोचते हैं कि वो रातों रात रिच बन जाएंगे और ये लॉटरी ऑर्गेनाइज किसके द्वारा करी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सपने लोगों के होते हैं बड़ा घर चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए डी के बाद ए गया फिर करोड़ ऑफ रुपीज और गोल्ड ऑफर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू यानी कि फिर सी गया फिर लॉर्ड बाई दीज मिलियन ऑफ पीपल और ये करोड़ों रुपए ज्वेलरी देख करके ना लाखों लोग ना जाने कितनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस पर वेस्ट कर देते हैं यानी कि सी के बाद क्या जाएगा बी सो so, ये करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी डी ए सी बी ये देखो जब कुछ चीज ना आया करे ना बेटा बस एक चीज याद रखो एलिमिनेशन भी ट्राई किया जा सकता है अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी बताओ बहुत इजी टाइम नहीं लगना चाहिए तुरंत आपको ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए बताओ अ चाइल्ड कुड अंडरस्टैंड हिज थ्योरी क्या हो जाएगा बस एक चीज याद रखना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसेज चेंज होते हैं एक्टिव पैसिव में टेंसेज चेंज नहीं होते यानी कि अगर कुड दिया है तो कुड ही तो लिखा रहेगा सब में ढूंढो वॉज दिया नहीं जाएगा कैन दिया है बींग दिया है बचा क्या आपके पास सेकेंड वाला खत्म इतनी सी बात थी बोला ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस आप कहते हैं ना एक स्मार्ट अप्रोच रखना है क्वेश्चन की तरफ चाहे रीजनिंग हो चाहे इंग्लिश स्मार्ट अप्रोच है ना तो क्वेश्चन जल्दी होंगे अब बताओ नेक्स्ट में क्या जाएगा द पुअर मैन वॉज डैश एंट्री टू द रेस्टोरेंट क्या जाना चाहिए अच्छा यहाँ पे डिराइव्ड का मतलब होता है पता करना डिनाइड मतलब होता है मना कर देना डिवॉइड मतलब होता है खाली डिल्यूडेड डिल्यूडेड की अगर मैं मीनिंग की बात करूँ आपने भ्रम नाम का वर्ड सुना होगा ना डिल्यूजन सुना होगा तो डिल्यूजन बेसिकली आपका डिल्यूडेड से रिलेट करता है क्लियर अब भाई देखो यहां पे सीधे से अगर हम आंसर की बात करते हैं पुअर मैन को मना कर दिया गया रेस्टोरेंट में एंट्री मना कर दिया गया यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डिनाइड हो जाएगा क्लियर यानी कि द आंसर शुड बी द सेकेंड वन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड ओके आंसर आ गया तो चलो इसको खत्म कर लेते हैं कि आपको यहां पे एक ईडीएम दिया है और ईडीएम का करेक्ट आंसर पता करना है ईडीएम क्या था पुल अ फास्ट वन Pull a fast one का मतलब होता है ट्रिक समी भी आप किसी को बेवकूफ बनाते हो तो वो पुल ऑफ फास्ट वन के लिए स्टैंड करता है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में okay, so that is it. अब मिलते हैं अगले क्लास में आपको आई होप यू पीपल है मेरे को कमेंट बताना कितना नंबर आपका आया है जय हिंद टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गुड नाइट ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब ना एंड प्रेस दिशन